केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर ने कहा कि बीजेपी ने हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए शंखनाद कर दिया है। हरियाणा विधानसभा चुनाव में बीजेपी प्रदेश में किए गए विकास के मुद्दों को लेकर जनता के बीच में जाएगी। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश का चहुंमुखी विकास हुआ है। हरियाणा प्रदेश में मुख्यमंत्री मनोहर लाल के कुशल नेतृत्व में गांव, गरीबी और किसान के लिए काम किए गए हैं। बीजेपी सरकार में सभी वर्गों के लिए योजनाएं बनाई गई हैं और उन्हें लागू भी किया गया है। कृष्णपाल गुर्जर ने ये बातें होडल के कई गांवों में दौरा करते हुए 13 करोड़ 32 लाख रुपए के विभिन्न विकास कार्यों के शुभारंभ के मौके पर कहीं। होडल विधानसभा में हमारे हरियाणा के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय मनोहर लाल जी के आशीर्वाद से 13 करोड़ के लगभग कामों के आज शिलान्यास की जा रही है। उनमें नगर परिषद के 9 करोड़ 69 लाख के काम हैं, जिनमें मुख्य काम सती सरोवर का 3.25 करोड़ की लागत से उसका जीर्णोद्धार होना है और 2 करोड़ 76 लाख की लागत से नानक डेयरी वाली रोड है जो हाईवे से शहर के अंदर आएगी। और इस तरह और नगर परिषद के काम हैं, कुछ पीडब्ल्यूडी के रोड हैं, कुल मिलाकर 13 करोड़ कामों का आज शिलान्यास किया गया है और ये सब अगले 3-4 महीने में काम कंप्लीट हो जाएगा। देखिए, हमारे पास देश के मुद्दे हैं, हरियाणा के मुद्दे हैं और विकास हमारा मुद्दा है। देश में आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में जिस तरह चहुंमुखी विकास हुआ है, प्रदेश में आदरणीय मनोहर लाल जी के नेतृत्व में जिस तरह गांव, गरीब, किसान के लिए काम हुए हैं, योजनाएं बनाई गई हैं, उनको लागू किया गया है और जिस तरह देश में से धारा 370 का कलंक हटाने का काम आदरणीय मोदी जी और अमित शाह जी ने की रहनुमाई में हुआ है, धारा 35 को हटाने का, ट्रिपल तलाक का, 3 महीने में जो ऐतिहासिक काम आदरणीय मोदी जी की सरकार ने किए जो 70 साल में नहीं हो पाया। केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर ने कहा कि केंद्र सरकार ने कश्मीर से धारा 370 और 35A के कलंक को हटाने का काम किया है। उन्होंने कहा कि केंद्र में बीजेपी की सरकार बनने के 3 महीने के अंदर ही ट्रिपल तलाक जैसे ऐतिहासिक फैसले सरकार ने लिए हैं। बीजेपी सरकार ने ऐसे कार्य किए हैं जो कि पिछले 70 सालों में नहीं हुए। हरियाणा प्रदेश में सबका साथ सबका विकास, हरियाणा एक और हरियाणवी एक के आधार पर प्रदेश में युवाओं को मेरिट के आधार पर नौकरी प्रदान की गई। प्रदेश में बिना किसी भेदभाव के विकास कार्य किए गए हैं। भ्रष्टाचार मुक्त सरकार देने का भी काम किया गया है। पलवल से न्यूज के लिए रुस्तम जाखड़ की रिपोर्ट।